morning, students. We are studying era of one party dominance, and today's our topic is Bharatiya Janasangh. We know BJP party, Bharatiya Janata Party. Bharatiya Janasangh is a parent party of BJP, and its symbol is this diya. The Bharatiya Janasangh was formed in 1951 with Shyama Prasad Mukherjee as its founder president. 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके फाउंडर मेंबर थे. इट्स लाइनेज हावर कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस एंड द हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस. आजादी से पहले हिंदू संगठन जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा, यही से इन्हीं दो संगठनों से ही भारतीय जनसंघ का उद्भव हुआ, यानी कि इसकी स्थापना, इसका ओरिजिन हुआ, इसकी स्थापना हुई. द जनसंघ वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम. इट एम्फसाइज्ड द आइडिया ऑफ वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन एंड बिलीव दैट द कंट्री कुड बिकम modern, progressive and strong on the basis of Indian culture and tradition. Bharatiya Janasangh ki vichardhara baki political parties se bilkul alag thi. Ye desh hamesha one country matlab ye isne Bharat ka vibhajan kabhi nahi chaha. Ye chahta tha ki Pakistan aur Bharat ko milakar ek akhand Bharat ka nirman kiya jaye. हम एक ही कल्चर को फॉलो करें. एक नेशन, वन कंट्री, वन कल्चर एंड वन नेशन इसकी आइडियोलॉजी थी. ये पार्टी चाहते थे इंडिया मॉडर्न बने, मॉडर्न बने, आधुनिक बने, प्रोग्रेसिव रहे, स्ट्रॉन्ग बने, ताकतवर बने, दुनिया में एक ताकत की, एक बड़ी ताकत की तरफ थोड़ा इंडिया उभर कर सामने आए. पर किसके साथ? अपने कल्चर और ट्रेडिशन को साथ लेकर. It emphasizes the idea of one country, one culture and one nation and believe that the country could become modern, progressive and strong on the basis of Indian culture and traditions. India ko modern banana hai, progressive banana hai, strong banana hai, par hamara base kya rahega? Apne culture aur tradition ke base par inhe chhod ke nahi. The party called for the reunion of India and Pakistan in Akhand Bharat. Ye party chahti thi इंडिया और पाकिस्तान को मिला दिया जाए और एक अखंड भारत का निर्माण हो. द पार्टी वॉज इन फोर फ्रंट ऑफ द एजिटेशन टू रिप्लेस इंग्लिश विद हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड वॉज ऑल्सो अपोज टू द ग्रांटिंग ऑफ कंसेशन टू रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज. इंग्लिश को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने का जो आंदोलन था, जो मूवमेंट था, उस मोमेंट में पार्टी सबसे आगे रही. ये चाहती थी कि इंग्लिश रिमूव हो जाए और उसकी जगह हिंदी को राजभाषा में प्रयोग किया जाए, यूज किया जाए. उसके साथ साथ रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज को जो कंसेशन दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये उसके भी अपोजिशन में रही. इंडिया में आप सब जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज को अधिक से अधिक कंसेशन देता है, उनको ज़्यादा सुविधाएं दी गई है, उन्हें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दी गई है, इसका इन्होंने अपोज किया. द पार्टी वॉज अ कंसिस्टेंट एडवोकेटेड ऑफ इंडिया डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन स्पेशली आफ्टर चाइना कैरिड आउट इट्स एटॉमिक टेस्ट इन 1964. चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट 1964 में कर लिया था. उसके बाद से भारत के लिए खतरा बढ़ चुका था क्योंकि 1961 में भारत और चीन का युद्ध हो चुका था. चीन ने भारत पर आक्रमण किया और हमें उसका बहुत नुकसान झेलना पड़ा. 1962 के इस युद्ध के बाद हम चीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते थे
और 1964 में जब चीन ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर लिया था, उसके बाद हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुका था कि हम भी अपने आप को अपना न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करें और न्यूक्लियर अपने अपने को स्ट्रांग रखें। तो इस पार्टी ने लगातार फोकस किया कि इंडिया को भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर लेने चाहिए, इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। इन द 1950 जनसंघ रिमेन ऑन द मार्जिन्स ऑफ द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड वाज एबल टू सिक्योर ओनली 3 लोकसभा सीट्स इन 1952 इलेक्शंस एंड 4 सीट्स इन 1957 जनरल इलेक्शन टू लोकसभा, क्योंकि ये पार्टी 1951 में बनी थी। इस पार्टी का जनाधार पूरे भारत में फैला नहीं था जितना कांग्रेस पार्टी का था। कांग्रेस पार्टी बहुत अधिक पुरानी, बहुत ही ज़्यादा पुरानी पार्टी थी। 1952, 1957 इन इलेक्शन में इस पार्टी को कुछ ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाई। फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में से 4 सीट्स मिली और सेकंड लोकसभा इलेक्शन में से 4 सीटें मिल पाई। पहले में 3 और दूसरे में 4 सीटें ही मिल पाई। इन द अर्ली ईयर्स इट्स सपोर्ट्स केम मेनली फ्रॉम द अर्बन एरियाज इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स लाइक राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। शुरुआत में इस पार्टी का जनाधार हिंदी भाषी प्रदेश, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश ही पर था। द पार्टीज लीडर इंक्लूड श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, इन पार्टी के ये मुख्य नेता थे। द भारतीय जनता पार्टी ट्रेसेस इट्स रूट टू द भारतीय जनसंघ। आज हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी जड़ें हमें भारतीय जनसंघ में ही मिलती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी की पेरेंट पार्टी है। यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में लिखा हुआ है। 1916 में उनका जन्म हुआ, तो 1968 में उनकी डेथ हुई थी। फुल टाइम आरएसएस वर्कर्स सिंस 1942, फाउंडर मेंबर ऑफ द भारतीय जनसंघ, जनरल सेक्रेटरी एंड लेटर प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनसंघ, इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। हमने कल तक कल यहाँ तक पढ़ लिया था बेटा। आज हम एमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज पढ़ेंगे। एमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी, क्या उस समय कोई विपक्ष पार्टी थी? ये कार्टून देखिए, इस कार्टून में ये कांग्रेस को दिखाया जा रहा है, जो पेड़ पे बैठे हुए, ये कांग्रेस की पोजीशन दिखाई जा रही है। कुछ कांग्रेस के नेता आप इसमें पहचान सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजकुमारी अमृत कौर, ये कांग्रेस के मेन मन लीडर्स हैं। कांग्रेस को दिखाया जा रहा है कांग्रेस काफी स्ट्रांग पोजीशन में है, और ये सब अपोजिशन के लीडर्स दिखाए जा रहे हैं। अपोजिशन को दिखाया जा रहा है, ये अपोजिशन को दिखाया जा रहा है और ये कांग्रेस को दिखाया जा रहा है। तो उस समय जब कांग्रेस डोमिनेंस में थी, उस टाइम भी अपोजिशन थी। अपोजिशन के होने से भले ही अपोजिशन कांग्रेस को नहीं हरा पाई, अपोजिशन कांग्रेस को हटाने में सफल नहीं रही, फिर भी अपोजिशन के होने से डेमोक्रेसी बनी रही। कांग्रेस को अपनी मनमानी करने को नहीं मिला। किसी भी देश, किसी भी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी, हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी सफल रहे, भले ही दूसरी पार्टी कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, भले ही पार्टी कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, अपोजिशन की अपनी ही भूमिका रहती है। अपोजिशन के होने की वजह से डेमोक्रेसी बरकरार रहती है। सरकार को तानाशाह बनने में, सरकार को डिक्टेटर बनने में बनने से रोका जा सकता है। इसीलिए हम जानते हैं कि उस टाइम अपोजिशन पार्टी थी, भले उनको कम सीटें मिली हों, उस टाइम की जो मेन अपोजिशन पार्टी थी वो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, और भी पॉलिटिकल पार्टी थी, पर मेन उस टाइम जो अपोजिशन में थी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही थी। एज यू हैव नोटेड अबव, इट इज नॉट दैट द इंडिया डिड नॉट हैव द अपोजिशन पार्टीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। व्हाइल डिस्कसिंग द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस, वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस द नेम्स ऑफ मेनी पार्टीज अदर देन द कांग्रेस। इवन देन इंडिया हैड अ लार्जर नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट अपोजिशन पार्टीज देन मेनी अदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज। हम देखते हैं कि जिस टाइम कांग्रेस का डोमिनेंस था, उस टाइम भी इंडिया में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी थी अपोजिशन में, जो कांग्रेस के अपोजिशन में खड़ी थी।
some of these had come into being even before the first general election in 1952. इनमें से सोशलिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, 1952, और जनसंघ है, वो 52 की इलेक्शन से पहले ही बन चुकी थी, और कुछ तो कुछ ज़्यादा ही पहले बन चुकी थी. सम ऑफ दिस पार्टीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इन द 60s and 70s. द रूट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द नॉन कांग्रेस पार्टीज ऑफ टूडे कैन बी ट्रेस्ड टू वन और द अदर ऑफ द अपोजिशन पार्टीज ऑफ 1950s. अगर हम आज भी, आज हमारे पास जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो उनके रूट्स, उनका ओरिजिनेशन हमें कहाँ से मिलता है? वहीं से मिलता है जो पॉलिटिकल पार्टीज 1950s के दौरान बनी थी. 1950s के दौरान इंडिया में कांग्रेस पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, भारतीय जनसंघ थी, सोशलिस्ट पार्टी, काफ़ी सारी पार्टियाँ थी. और आज हमारे पास जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ, उनके रूट्स हमें वहीं पर मिलते हैं. All these opposition parties succeeded in gaining only a token representation in the Lok Sabha and state assemblies during this period. Yet, their presence played a crucial role in maintaining the democratic characters of the system. These parties offered a sustained and often principled criticisms of the policies and practices of the Congress party. This kept the ruling party under check and often change the balance of power within the Congress. पहले उस टाइम के अपोजिशन पार्टी को लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में सफलता ना मिली हो, भले उन्हें ज़्यादा सीट ना मिली हो, पर उनका रहना इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बेनिफिशियल था, क्योंकि उनकी अपोजिशन पार्टी की रहने की वजह से कांग्रेस पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी थी, इस पर लगाम लगाना आसान हो गया था. और उस टाइम की पॉलिटिकल पार्टी भले उन्हें 2 या 3 या 4 या 5 सीटें मिली हो, उन्होंने कांग्रेस के रूल्स, कांग्रेस ने जो प्रोग्राम्स थे, कांग्रेस के प्रोग्राम्स जो जनता को उतना बेनिफिट नहीं दे पा रहे थे, जनता के लिए ठीक नहीं थे, उनका अपोजिशन, उनका अपोज किया, उनका विरोध किया. स्वतंत्र पार्टी, ये भी उसी टाइम बनी पॉलिटिकल पार्टी है. यहाँ पर देखिए सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, अ सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस एंड लिटररी राइटर, अ सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस एंड लिटररी राइटर, क्लोज एसोसिएटेड ऑफ द महात्मा गांधी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट इंडियन टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1948 to 1950, मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट, लेटर बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट, फर्स्ट रिसिपियंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड, फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी. ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी. इसके अलावा देखो इनके काफ़ी लंबी लिस्ट है. ये कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, ये एक लेखक थे, राइटर भी थे, महात्मा गांधी के से काफ़ी क्लोज थे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, आजाद भारत के पहले इंडियन गवर्नर बने 1948 से लेकर 1950 तक, यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बने, उसके बाद मद्रास स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने, और भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय भी बने. और इन्होंने ही स्वतंत्र पार्टी की स्थापना भी करी. स्वतंत्र पार्टी वॉज फॉर्म इन अगस्त 1959. दो लोकसभा इलेक्शन के बाद इसकी फॉर्मेशन हुई, 1952-1957. स्वतंत्र पार्टी वॉज फॉर्म इन अगस्त 1959 आफ्टर द नागपुर रेजोल्यूशन ऑफ द कांग्रेस विच कॉल्ड फॉर लैंड सीलिंग्स, टेक ओवर फूड ग्रेन ट्रेड बाय द स्टेट एंड अडॉप्शन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग. द पार्टी वॉज लीड बाय द ओल्ड कांग्रेसमैन लाइक सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा एंड मीनू मसानी. The party stood out from the other in terms of its positions on economic issue. 1959 में दो लोकसभा इलेक्शन के खत्म होने के बाद इस पार्टी की स्थापना हुई. कांग्रेस के नागपुर रेजोल्यूशन में कुछ प्रस्ताव पास हुए, लैंड सेलिंग, यानी कि जिनके पास एक लिमिट से ज़्यादा ज़मीन है उनकी ज़मीनें सील की गई, और एक्स्ट्रा जो ज़मीन थी वो किसानों को, जिनके पास जमीन नहीं थी उन्हें बांटा गया, और फूड ग्रेन्स गवर्नमेंट
अपने पास लेना शुरू किया, सरकार ने खरीदारी करनी शुरू करी, कोऑपरेटिव फार्मिंग की स्टार्टिंग करी। इस तरह के जो सोशल वेलफेयर के काम कांग्रेस कर रही थी, उससे ये पार्टी खुश नहीं थी, इस पार्टी के नेता खुश नहीं थे, इसलिए इन्होंने एक अलग पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना करी। कांग्रेस के प्रोग्राम से खुश नाखुश जो नेता थे, उन्होंने इस पार्टी की स्थापना करी। द स्वतंत्र पार्टी वांटेड द गवर्नमेंट टू बी लेस एंड लेस इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द इकोनॉमी। इस पॉलिटिकल पार्टी की, स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा थी कि कांग्रेस गवर्नमेंट को इकोनॉमी में कम से कम कंट्रोल करना चाहिए, दखलअंदाजी करना चाहिए, इकोनॉमी को फ्री छोड़ देना चाहिए। इट बिलीव दैट प्रॉस्पेरिटी कुड कम ओनली थ्रू द इंडिविजुअल फ्रीडम। इट वॉज क्रिटिकल ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटर्जी ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, सेंट्रलाइज प्लानिंग, नेशनलिज्म्स एंड पब्लिक सेक्टर। इस पार्टी का मानना था कि जितना ज्यादा सरकार इकोनॉमी पे कंट्रोल कर रखती है, दखलअंदाजी करती है, उतना ही प्रोग्रेस करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इकोनॉमी को फ्री छोड़ देना चाहिए, सरकार हस्तक्षेप ना करे। इंस्टेड फेवरिंग एक्सपांशन ऑफ द फ्री प्राइवेट सेक्टर, इसने हमेशा प्राइवेट सेक्टर को फेवर किया, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। द स्वतंत्र पार्टी वॉज अगेंस्ट लैंड सीलिंग इन एग्रीकल्चर एंड अपोज कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड स्टेट ट्रेडिंग। इसने, स्वतंत्र पार्टी ने अपोज किया, लैंड सीलिंग का अपोजिशन किया, कोऑपरेटिव फार्मिंग का अपोजिशन किया, स्टेट ट्रेडिंग का। सरकार जो अनाज खरीद के सरकार जो ट्रेड करती थी, उसका इन्होंने अपोज किया। इट वाज आल्सो अपोज टू दी प्रोग्रेसिव टैक्स रिजिम्स एंड डिमांडेड डिसमेंटलिंग ऑफ द लाइसेंसिंग रिजिम्स। सरकार ने जो गरीबों के लिए टैक्स माफ कर रहा, प्रोग्रेसिव टैक्स लगा रखा था। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब जितनी इनकम ज्यादा होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, उतने टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा, यानी कि कम इनकम वालों को कम टैक्स भरना पड़ेगा और ज्यादा इनकम वालों को ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, और जिन इनकम एक लिमिट से कम है वो टैक्स नहीं भरेंगे। तो इस तरह की जो प्रोग्रेसिव टैक्स है कि इनकम बढ़ने के साथ आप टैक्स भी ज्यादा भरेंगे, इसका भी इन्होंने विरोध किया। और जो एक लाइसेंसिंग सिस्टम था कि पहले आपको कोई भी इंडस्ट्रीज लगाने से पहले, उद्योग करने लगाने से पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, उसी के बाद आप लगा सकते हैं, तो ये लाइसेंसिंग सिस्टम का भी इन्होंने विरोध किया। इट वॉज क्रिटिकल्स ऑफ द पॉलिसीज ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द सोवियत यूनियन, एडवोकेटेड क्लोजर टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट्स। ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अगेंस्ट था कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्यों अडोप्ट किया और क्यों सोवियत यूनियन के से दोस्ती रखी हुई है। ये चाहते थे कि इंडिया को अमेरिका से दोस्ती रखनी चाहिए, अमेरिका से ज्यादा क्लोज रहना चाहिए। द स्वतंत्र पार्टी गेन स्ट्रेंथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री बाई वे ऑफ मर्जर विद न्यूमरस रीजनल पार्टीज एंड इंटरेस्ट। अलग अलग स्टेट में जो रीजनल पार्टी जिनकी विचारधारा इनसे मिलती जुलती थी, ये उनके साथ जुड़ी ये पार्टी। इट अट्रैक्टेड द लैंडलॉर्ड्स एंड प्रिंसेस हु वांटेड टू प्रोटेक्ट द लैंड एंड स्टेटस दैट वाज बीइंग थ्रेटन्ड बाय द लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन। इस पार्टी में जो लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास काफी ज्यादा ज्यादा जमीनें थी, प्रिंसेस थे जो राजा महाराजा, वो इस पार्टी के साथ जुड़े। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ही, जो गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम ला रही थी उससे इन लोगों को खतरा था। इनके पास एक्सेस क्वांटिटी में लैंड थे और लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम की वजह से इनके लैंड सीज होने जा रहे थे। इनके लैंड अब जो इनके लैंड सीज होने जा रहे थे और गरीब के सामने बंटने वाले थे। तो ये लोग लैंड लॉर्ड्स और प्रिंस कांग्रेस से दूर होते चले गए और इस पार्टी से जुड़ते चले गए। द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द बिजनेस क्लासेस हु वेर अगेंस्ट नेशनलाइजेशन एंड द लाइसेंसिंग पॉलिसीज ऑल्सो सपोर्टेड द पार्टी। जो हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेस क्लास के लोग हैं, जो लाइसेंसिंग पॉलिसीज से परेशान थे और जो ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स को अपने कंट्रोल में ले रही है, उन्होंने इस पार्टी को सपोर्ट किया। इट्स नैरो सोशल बेस एंड द लैक ऑफ डेडिकेटेड कैडर ऑफ पार्टी मेंबर डिड नॉट अलाउ इट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। एक तो इसको पसंद करने वाले लोग थे, लैंडलॉर्ड से, प्रिंसेस थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो भारतीय मैक्सिमम जो इंडियन हैं इससे नहीं जुड़ पाए, इस पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से नहीं जुड़ पाए। और इसके पास डेडिकेटेड कैडर नहीं था,
इसके पास डेडिकेटेड कैटर्स नहीं थे, मेंबर्स नहीं थे, जिसकी वजह से ये पार्टी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया। This party has perpetrated the resentment with the systems for turning anti-democratic. This party has also groomed the leaders who were the play a crucial role in the shaping our country. जैसे कि हम जानते हैं कांग्रेस के टाइम में जो अपोजिट पार्टी थी उन्होंने एक तो लोकतंत्र को बचाने का काम किया, दूसरा कांग्रेस पार्टी को तानाशाह होने से बचाया उसको और उसको इस तरह के प्रोग्राम बनाने से बचाया जो भारतीय जनमानस को पसंद ना हो, और इन जो अपोजिशन पार्टी थे इनसे आगे चल के इंडिया को बहुत ही अच्छे अच्छे लीडर्स मिले। इन द अर्ली ईयर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड दोज ऑफ द अपोजिशन। द अंतरिम गवर्नमेंट दैट रूल्ड द कंट्री आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन included opposition leaders like Dr. Ambedkar, Shyama Prasad Mukherjee in the cabinet. Jawaharlal Nehru often referred to his fondness for the Socialist Party and invited Socialist leaders like Jayaprakash Narayan to join his government. This kind of personal relationships with and respects for political adversaries declined after the party competition grew more intense. जैसा कि हम देखते हैं कि उस टाइम के नेता, कांग्रेस के नेता, अपोजिशन पार्टी के नेता भले विचारधारा में बिल्कुल अलग अलग हो पर एक दूसरे की बहुत रेस्पेक्ट करते थे। अंबेडकर जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, इनकी विचारधारा नेहरू से नहीं मिलती थी। अंबेडकर जी कांग्रेस और गांधी जी के अगेंस्ट रहा करते थे। उनका मानना था कि कांग्रेस और गांधी जी दलितों के लिए कुछ नहीं करते हैं। वहीं श्याम प्रसाद मुखर्जी, इनकी विचारधारा भी जवाहरलाल नेहरू से नहीं मिलती थी। कई कई मुद्दों पे हमने देखा कि कांग्रेस के लीडरों की विचारधारा भी जवाहरलाल नेहरू से नहीं मिलती थी, फिर भी विचारधारा ना मिलने की वजह बावजूद भी एक दूसरे की बहुत रेस्पेक्ट करते थे। जयप्रकाश नारायण जो कि सोशलिस्ट लीडर थे, उनको कई बार नेहरू जी ने अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए इन्विटेशन भी दिया। तो उस टाइम के जो रेस्पेक्ट है लीडर्स एक दूसरे के लिए करते थे, अपोजिशन पार्टी के लीडर भी रूलिंग पार्टी के लीडर के साथ बहुत अच्छे व्यवहार रखते थे, अच्छे रिलेशंस रखते थे, जो कि आज देखने को नहीं मिलता। दस दिस फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री वॉज क्वाइट यूनिक। द इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ द नेशनल मूवमेंट लीड बाय द कांग्रेस इनेबल इट टू अट्रैक्ट डिफरेंट सेक्शंस, ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट, मेकिंग इट अ ब्रॉड बेस्ड सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इंडियन डेमोक्रेसी का जो फर्स्ट फेज था वो बहुत ही यूनिक था। कांग्रेस का इंक्लूसिव कैरेक्टर, सबको अपने अंदर समाहित कर लेने वाला, सबको अपने अंदर इंक्लूड कर लेने वाला कांग्रेस सिस्टम, हमारा जो नेशनल मूवमेंट में सभी इंक्लूडेड थे उसके अंदर, जिसकी और कांग्रेस एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन था। कांग्रेस में सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन हमें देखने को मिलता है। ये उस टाइम की फोटो है बेटा, नेहरूज कैबिनेट आफ्टर द स्वेरिंग इन ऑफ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एज गवर्नर जनरल इन 1948। चक्रवर्ती, ये देखिए बेटा, ये चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी है, इन्हें इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बनाया गया था, मतलब भारत आजाद होने के बाद इन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उस टाइम के फोटोग्राफ्स हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से इनको पहचानना शुरू कीजिए। कई बार ये फोटो एग्जाम में आती है और इनमें से कुछ दो एक नेता के नाम पूछ लेते हैं आपसे। ए रफ़ी अहमद किदवई हैं, बलदेव सिंह हैं, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू जी, चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, इन्हीं को ही इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया था फ्री इंडिया का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृत कौर,
मिस्टर जॉन मथाई, जगजीवन राम, मिस्टर गाडगिल, मिस्टर गाडगिल, मिस्टर नियोगी, डॉक्टर अंबेडकर जी एंड श्याम प्रसाद मुखर्जी, मिस्टर गोपाल स्वामी लेंगर एंड मिस्टर जयराम दास दौलत राम Key role of the Congress in the freedom struggles thus gave it a head start over others, as the ability of the Congress to accommodate all interests and all aspirants for political power steadily declined. Other political parties started gaining greater significance. Thus, Congress dominance constitutes only one phase in the politics of the country. We shall come to the other phases in later part of the textbook. जब तक कांग्रेस के अंदर अलग अलग आइडियोलॉजी के लोगों के लिए जगह थी, अलग अलग विचारधाराओं का सम्मान था, तब तक कांग्रेस का डोमिनेंस बरकरार रहा. बाद में धीरे धीरे जो अपोजिशन में जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनका जनाधार बढ़ता ही चला गया और कांग्रेस का वो जो लोकप्रियता थी वो कम होती चलेगी. श्याम प्रसाद मुखर्जी 1901 टू 1953 लीडर ऑफ हिंदू महासभा, फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, मिनिस्टर नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, रिजाइन इन 1950 ड्यू टू द डिफरेंसेस ओवर द रिलेशन विद पाकिस्तान, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड लेटर द फर्स्ट लोकसभा, वाज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड लेटर द फर्स्ट लोकसभा, was opposed to India's policy of autonomy to Jammu and Kashmir, arrested during Jan Sangh's agitation against Kashmir policy, died during detention. तो बच्चों हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. थैंक यू वेरी मच.